ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20, 21, 22 और 23 जनवरी के महाराशिफल के बारे में कि है चार दिन आपकी राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, किन किन चीज़ों से आपको फायदा होगा, किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएँ जिससे आप तक हमारी नई नई वीडियो पहुँच सके। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे रहेंगे श्री गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से ये चार महत्वपूर्ण दिन। दोस्तों आज कुछ राजनीतिक लोगों से आपकी मुलाकात लोकप्रियता को बढ़ाएगी, साथ ही जनसंपर्क का दायरा भी विस्तृत करेगी। संतान की तरफ से उनके कैरियर को लेकर आज कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज और धार्मिक स्थल में आपको सम्मानजनक उपाधि प्रदान करवा सकता है। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आज आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई रुका हुआ कार्य पूरा होने की आज संभावना है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज के दिन का समय आपको अच्छे बुरे की समझ दे सकता है। साथ ही भाग्य और संतान संबंधित कामों भी सुविधा प्रदान कर रहा है। आपका विवेक और आदर्शवादी स्वभाव आपके लिए आज महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिलाएगा। दोस्तों आज ग्रह स्थिति आपके लिए काफी संतोषजनक है। जो लोग आपके खिलाफ थे आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंधों में भी काफी सुधार आएगा। सभी काम आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हुए चले जाएंगे। दोस्तों भावुकता की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके कामों में सहायक रहेगा। आपकी सकारात्मक व संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद करेगी। दोस्तों घर में किसी धार्मिक उत्सव के आयोजन की भी आज योजना बनेगी। आप दोबारा से अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। साथ ही रुकी हुई बढ़ी हुई पेमेंट आज मिलने से आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आ जाएगा जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा और आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों किसी प्रकार की उधारी से आज दूर रहें। धन के लेन देन संबंधित कार्य करने से छल या धोखे का शिकार आप हो सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले ज्यादा सोच विचार में समय ना लगाएं, इससे समय आपके हाथ से निकल सकता है। सामाजिक रिश्तों को मधुर बनाकर रखना आवश्यक है। कभी कभी कुछ नकारात्मक पुरानी बातें दोबारा उठ सकती हैं जिसकी वजह से आप अपने मनोबल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे। अपने स्वभाव को पॉजिटिव बनाकर रखें। दोस्तों इस बात पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं जिससे आपकी मन स्थिति कुछ विचलित हो सकती है। दूसरों के मसले सुलझाने में आपके कई महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं। दोस्तों किसी के साथ कोई वादा किया है तो अवश्य पूरा करें, नहीं तो समाज में आपकी छवि बिगड़ सकती है। और कुछ लाभदायक मौके भी आपके हाथ से आज निकलने की संभावना है। दोस्तों साथ ही साथ दिखावे की प्रवृत्ति से भी आप दूर रहें। इस समय धन संबंधी नुकसानदायक स्थिति प्रतीत हो रही है, इसलिए किसी भी प्रकार के निवेश को आज फिलहाल टाल दें। संपत्ति संबंधित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें, भाइयों के साथ संबंध खराब न हो। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखने की अति आवश्यकता है, उनके कुछ गलत आदतें या संगत उन्हें परेशानी में डाल सकती है। उन्हें सकारात्मक कार्यों में व्यस्त करना अति आवश्यक है जो उनके भविष्य के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों घर का माहौल अनुशासित और आज खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाकर रखना अति आवश्यक है। आपकी समस्याओं को सुलझाने में
आपके जीवन साथी व बच्चों का पूरा सहयोग रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा बना हुआ रहेगा। दोस्तों, नजदीकी रिश्तेदारों से मेल मिलाप और घूमने फिरने का आज प्रोग्राम बन सकता है, जिससे घर परिवार में वातावरण खुशनुमा और सुखद बना रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय और करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, कार्यस्थल पर लिए गए ठोस निर्णय बेहतरीन साबित होंगे और कामयाबी भी आपको अवश्य मिलेगी। आज मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कार्यों में समय अधिक व्यतीत होगा। शेयर व रिस्क प्रवृत्ति वाले कामों से दूर रहें। आपके साथ छल कपटे धोखाधड़ी हो सकती है। नौकरी में किसी प्रकार की स्थान परिवर्तन या तबादले की भी आज स्थिति बन रही है। जी हाँ दोस्तों, कार्यस्थल पर किसी पड़ोसी के द्वारा लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन रही है। कुछ कानूनी या निवेश संबंधित जटिलताओं का भी आज आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए आवश्यक है, जिससे और अधिक बेहतर परिणाम आपको हासिल हो सके। दोस्तों, व्यवसाय प्रतिष्ठान में अनुभवी और परिवार के वरिष्ठ जनों की अनुमति और सहमति से कार्य करने से काफ़ी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। धन के लेन देन संबंधित कार्यों में अचानक से कोई लाभदायी स्थिति आज बन सकती है, जिससे आपको काफ़ी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में जो आप बदलाव संबंधित योजनाएं बना रही हैं, उन सभी पर अब अमल करने की आज उचित समय नहीं है। इस समय अपनी अधिकतम ऊर्जा निवेश संबंधित कार्यों में लगाएं। वर्तमान गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, आय के लिए बेहतरीन रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए आप अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें और आप अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज आप ये विशेष उपाय अवश्य करें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी शिव मंदिर या शिवालय में जाएं और माता पार्वती और शिव की पूजा उपासना के बाद गणेश भगवान को आज मिठाई का भोग लगाएं। और दोस्तों, इतना करने मात्र से भगवान गणेश जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपके समस्त कष्टों को दूर कर देंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपके ऐसा करने मात्र से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और गणेश भगवान के आशीर्वाद से आपके समस्त कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तों, गणेश भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।